माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के लंबे कालखंड बाद एक बार स्वाभिमानी जनजातीय समुदाय को एक ऐसा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर तोहफा के रूप में दिया है कि भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्मदिन को प्रत्येक वर्ष पूरे जनजाति समाज ही नहीं देश भर में हम सब जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएं। ये जो फैसला आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हुआ है, ये आदिवासी स्वाभिमान को बढ़ाता है, जीवन चरित्र और उनके पृष्ठभूमि को बताता है कि जनजातीय समाज आदिकाल से अपने जीवन को किस तरीके से समर्पित करते हुए विभिन्न समय में अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ा और स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई। आपने जो एक बात कही थी सर कि जंगल की बात तो सभी करते हैं कि पेड़ बचाए जाए, पक्षी बचाए जाए, जानवर बचाए जाए, लेकिन जंगल में रहने वालों की कोई बात नहीं करता, तो इस बारे में सरकार कुछ सोच रही है आगे कुछ? नहीं, अभी तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आप यह जो जनजातीय गौरव दिवस के पीछे का उद्देश्य यही है कि जिन चीज़ों को हम आज़ादी के लंबे कालखंड में नज़रअंदाज किए वो अब उसे ठीक करते हुए हमें आगे बढ़ना है और इसलिए नए तरीके से विकासात्मक कार्य योजना बने, नए तरीके से जनजातीय क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ हो और जो गैप्स है उसको ठीक करें।